वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीजी पालक पनीर। चीजी पालक पनीर बनाने के लिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने पालक उबाल लिया था। ये पालक मैंने उबाल लिया है। यहाँ ये घर का पनीर है जिसके हमने क्यूब्स काट लिए हैं, कुछ इस तरीके से आप क्यूब्स काट लीजिए। और घर का पनीर बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पालक का पानी हमने फेंका नहीं है, इसको हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ ले लिए हैं हमने दो बड़े कटे टमाटर, दो प्याज, कुछ लहसुन, एक हरी मिर्च, एक इंच अदरक। अब हमें करना क्या है, हमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सर में पीस लेना है। आपको अगर पिसा हुआ मसाला पसंद नहीं है तो आप चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ कढ़ाई में डाल लेंगे तेल। मसाला हमारा पिस चुका है, तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है तो हम यहाँ पे डाल लेंगे जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल हो, जलाना नहीं है। पिसा हुआ जो हमारा अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, हरी मिर्च का, इसे हम धीमी आंच पे सौते करेंगे। जब तक प्याज वाला मसाला हमारा भुन रहा है तब तक हम टमाटर की भी ग्रेवी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ मसाला गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च स्वाद अनुसार जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से, धनिया पाउडर लगभग दो चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। इनको एक दो सेकेंड के लिए हम सौते कर लेंगे इस तरीके से, मसाले में एक भुना हुआ फ्लेवर आ जाए, बस उतना ही करना है। और अब हम डाल देंगे अपने पिसे हुए टमाटर और इनको पकने, जब तक तेल और टमाटर अलग नहीं होता तब तक हमें भूनना है। पालक को भी हम पीस लेंगे, उसी जार में पीस रहे हैं जिसमें हमने टमाटर पीसे थे। इस तरीके से बिना पानी के हम इनको भी पीस लेंगे। मसाला भून चुका है, अब जो हमारा पालक पनीर पिसा हुआ है वो हम इसमें, पालक जो पिसा हुआ है वो रेडी ग्रेवी में इस तरीके से डाल लेंगे। तो यहाँ पालक हमने अपने टमाटर प्याज वाला जो मसाला था, ग्रेवी जो हमने रेडी की थी उसमें डाल दी थी। अब बारी है अपने पनीर की, तो कुछ इस तरीके से हम पनीर जो है वो पालक के संग पकने डाल देंगे। पालक यहाँ, पनीर हम यहाँ पर फ्राई नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि रॉ पनीर ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमने पनीर डाल दिया। अब जो हमने पालक का पानी बचा रखा था ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के लिए, हम उसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए, तो एटलीस्ट जब ये कुक होके रेडी होगी तो इसकी थिकनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे रख सकते हैं। ये पानी को फेंकिए मत, आप अपने इस पानी को थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए डाल सकते हैं।